अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज हम चाइनीज़ ऑमलेट बना रहे हैं और इसके लिए हमने जो अज्जा लिए हैं इसमें हमने चार स्प्रिंग अनियन लिए हैं और उनको बारीक काट लिया है। एक शिमला मिर्च का हिस्सा लेकर हमने उसे भी बारीक काट लिया है। तकरीबन 100 ग्राम हमने चिकन लिया है, ये क्यूब्स में कटी हुई है, ये फ्रीज है इस वक्त। तीन अंडे हम लेंगे, यहाँ पर दो हैं, एक अंडा और हम इसमें शामिल करेंगे। एक टेबल स्पून हम काली मिर्च पिसी लेंगे, अजीनोमोटो लेंगे हाफ टी स्पून और रेगुलर नमक जो है वो भी हम इस्तेमाल करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, चार टेबल स्पून हमने ऑयल लिया है और इसमें हम चिकन डाल के इसको फ्राई कर लेंगे। तीन अगर अंडे हमने लिए हैं, इनको हम दो टेबल स्पून दूध डाल के अच्छी तरह से फेंट लेंगे। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारी हौसला अफजाई करें। इसको अच्छी तरह से फेंटने के बाद हम इसमें थोड़ा सा नमक और काली मिर्च जो है वो ऐड कर देंगे ताकि इसमें फ्लेवर आ जाए। चिकन जब फ्राई हो जाएगी तो उसके अंदर हम नमक, मिर्च यानी काली मिर्च जो हमने ली है इसमें, जो हमने मिर्च ली है इसमें, काली मिर्च ली है तो शामिल कर देंगे और इसको फ्राई कर लेंगे। नमक भी इसमें शामिल करेंगे, अजीनोमोटो भी हम इसमें शामिल कर देंगे। हमने यहाँ पे 100 ग्राम लिए है चिकन, आप इसमें 250 ग्राम तक ले सकते हैं, 250 से 300 ग्राम तक आप चिकन ले सकते हैं। इसमें शिमला मिर्च हमने ऐड कर दी है और इसको हम थोड़ा सा इसका कच्चा भन दूर कर लेंगे और स्प्रिंग अनियन भी इसमें शामिल कर देंगे और इनको फ्राई करके हम एक बर्तन में निकाल लेंगे। स्प्रिंग अनियन डालने के बाद हम इसे बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करेंगे। ब्लैक पेपर जो बाकी बच गई थी वो भी हम ऐड कर देंगे इस मौके पे और इसको बर्तन में निकाल लेंगे। थोड़ा ठंडा होने पर हम इसको जो हमने तीन अदद अंडे फेंट लिए थे उसमें ये अमेजा जो है हम शामिल करके इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे अंडों को और ये जो चिकन हमने फ्राई किया है इसको अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे। और मिक्स करने के बाद इसको हम फ्राई पैन में तकरीबन 4 टेबलस्पून हम फिर ऑयल का डालेंगे और इसको फ्राई पैन में डाल के एक पूरे फ्राई पैन में इसको हम फैला देंगे इस तरह से कि टूटने ना पाए। हम अच्छी तरह से चिकन जो है अतर फैलाएंगे इसका ताकि ये जब हम इसको टर्न करें तो ये इजीली टर्न हो जाए। यहाँ पे हमने फ्राई पैन बहुत हमारा बड़ा है, अगर आप छोटा फ्राई पैन यूज़ करेंगे तो उसका आपको फ़ायदा ये होगा कि आप इजीली इसे टर्न कर लेंगे। आप कोई भी प्लेट या कोई बड़ा बर्तन ऐसा लेके जो आपके फ्राई पैन पर पूरा आता हो इसको टर्न कर लेंगे और एक तरफ से जब हल्की आँच आप करेंगे, जब ये हल्की आँच पे फ्राई हो जाएगा तो इसका टर्न आप कर लेंगे इसको। तो हमने तवे में ही इसे टर्न कर लिया था तो अब ये देखें कि क्योंकि बहुत बड़ा है थोड़ा सा एक साइड पे ये जो है वो हम इसको चेक करेंगे कि ये फ्राई हो गया है। जब ये दोनों साइड से इक्वली हो जाएगा तो हम इसको डिश आउट कर लेंगे। तो अब ये बनाएं और खाएं और बताएं कि आपको कैसा लगा, इसका फीडबैक दें। अल्लाह हाफिज़।